बीजेपी ये कह रही है कि आर्टिकल 370 को खत्म कर सकती है अगर फुल मेजोरिटी में अगर सेंटर में आती है तो। भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से परहेज किया है। भाजपा अपनी जम्मू रीजन में खोती हुई लोकप्रियता को देखकर अब नए तरीके से 370 खत्म करने का प्रश्न उठा रही है जो विधि सम्मत नहीं है। ये तो बहाना है उनका और मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये इश्यू बहुत ही सेंसिटिव है और ये जो कश्मीर की अभी स्थिति है उसमें ऐसे इश्यूज को छूना खतरे से खाली नहीं है। वैसे ही जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर अभी पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, जब से नई सरकार भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की बनी है तब से ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान सपोर्टर है उनको खुली छूट मिल गई है और वैसी हालत में इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं कि ये धोखा देने है और कुछ भी नहीं। आई थिंक दिस इज द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। एवरी इलेक्शन टाइम, बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन, द सेलेक्टिव एमनीजिया ऑफ द बीजेपी वेक्स इट अप टू रिमेंबर राम, टू रिमेंबर 370, टू रिमेंबर सेवरल सच इमोटिव इशूज। इमीजिएटली आफ्टर द इलेक्शंस दे स्टार्ट pleading, giving laments and excuses as to why we are putting it on the back burner. They go to the extent of saying that these are not live issues at all now that we are in power. They never tell you before the election that we will do this only on these conditionalities, but after the election every conditionality is put. I want to remind you, not now but of 6 years of NDA one rule, 6+ years of Vajpayee government rule, when not a small finger was wagged on Ayodhya, Ram, Ram 370 or any such issue. And this shows the hypocrisy, the utter hypocrisy, double speak and double standards of the BJP. They never walk the talk. They are out to fool the people.